नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश कानपुर में व्यापारी विक्रम कोठारी को अनियमित तरीकों से दिए गए 5,000 करोड़ ऋण के मामले में एनसीएलटी एक्शन में आ गया है। इस मामले में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 20 फरवरी को कानपुर में कोठारी को एलओयू जारी करने वाले बैंकों के साथ बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि किंग ऑफ पेन के नाम से मशहूर रहे विक्रम कोठारी के मुश्किलें अगले 2-3 दिनों में और बढ़ सकती हैं, और यदि जांच शुरू हुई तो बैंकों के वो अफसर भी फंस सकते हैं जिन्होंने कोठारी को 5,000 करोड़ के ऋण एनपीए में बदलने दिए थे। कॉर्पोरेट्स का पैसा बड़ी संख्या में देश में, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार कॉर्पोरेट्स का 60% लोन जो बैड डेट्स हो जाता है उसे माफ़ किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हेल्थ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री के नाम पर हमारा संघर्ष लगातार जारी है, और हम लोग 15 मार्च को पुनः स्ट्राइक पर जा रहे हैं। हमारा मुख्य और प्रमुख मुद्दा हर स्ट्राइक में एनपीए ही रहा है, बैड डेट्स जो पूंजीपतियों सरमाएदारों को माफ किया जा रहा है। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में जैन मंदिर माजरा प्रबंधन कमेटी द्वारा वार्षिक शोभा रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि जैन समाज द्वारा वर्ष 2002 में माजरा जैन मंदिर की स्थापना की गई, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के तीसरे रविवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरा जैन समाज इस कार्यक्रम में पूरे हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वहीं इस यात्रा में श्रद्धालु ईस्टर्न आर्क के डायरेक्टर पारस जैन ने सबसे अधिक बोली लगाकर रथ यात्रा का सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस यात्रा में मुख्य रूप से नेमचंद जैन, अध्यक्ष जैन समाज, नरेंद्र कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, अजय जैन, सुनील जैन, सचिन जैन, अर्चना जैन आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। एनुअल फंक्शन होता है राइट, हर फरवरी में 13 संडे को, ये रूटीन है पिछले 16-17 साल से। तो किस विषय को लेकर ये रथ यात्रा? ये एनुअल फंक्शन हर साल होता है। जैन धर्म का मुख्य संदेश है परस्पर करो जीवाना, परस्पर दूसरे की सहायता करो, जियो और जीने दो, अहिंसा ही परम धर्म है। इसी प्रकार ये आज की रथ यात्रा में हम सब बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है और गर्व का विषय है। भगवान आदिनाथ का रथ यात्रा माजरे से बड़ी धूमधाम के साथ प्रारंभ हुई है। ये रथ यात्रा 16वीं है। मंदिर की स्थापना के बाद निरंतर रथ यात्रा का आयोजन और भाई नरेंद्र जी और उनके परिवार द्वारा सभी अतिथियों का, सभी सहधन बंधुओं का अतिथि सत्कार जो किया जाता है, ये अपने आप में अनुकरणीय है। ऐसा प्रेम भाव परिवार का, हर बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक सबकी, समाज के सभी हर व्यक्ति की, समाज का हो अजैन हो, सभी की सेवा में ये कार्यरत है। जैन धर्म का एक ही संदेश है, बस जियो और जीने दो। देश अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म का तीसरा मुख्य संदेश है सत्यमेव जयते। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कल्याण में शिवाजी महाराज के पोस्टर की जगह किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का पोस्टर लगने से स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आने वाली 19 फरवरी को महाराज का जन्मदिन है और ऐसे में उनका पोस्टर फाड़कर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी पोस्टर लगाना बेहद दुखी बात है। जयंती के अवसर पे मांडा टिटवाला के राजे ग्रुप और ग्रामस्थ मंडल ने जो भव्य दिव्य स्वरूप में जो जयंती मनाई जाती है उसके अवसर पे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग जो हर जगह पे लगाए थे, वैसा ही एक होर्डिंग गोवेली हाईवे पे लगाया था जो उल्लासनगर महानगर पालिके के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजेश वदादिया ने, मतलब अभी कल का जो अहमदनगर का जो मैटर है वो तो अभी बंद भी नहीं हुआ, उसकी बात न्यूज़ अभी ख़त्म भी नहीं हुई, फिर भी इन्होंने ऐसा करने की इनकी जरूरत कैसी होती है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में पैरामेडिकल में पढ़ने वाली अनट्रेंड छात्राओं से चिकित्सालय में मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। न इनके पास स्टाफ है, न नर्स आती है और न ही वार्ड बॉय आते हैं, ये खुद से ही इलाज शुरू कर देती हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि यहाँ सबके बेड पर बोतल चढ़ा रखी है, या फिर मरीजों को खांसी हो या बुखार हो केवल बोतल ही चढ़ाई जा रही है। बलिया से रत्नेश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद के चलते बाइक सवार दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। दबंगों ने युवक पर कई बार फायरिंग की लेकिन युवक को एक भी गोली नहीं लगी। वहीं ग्रामीणों ने बाइक सवार दबंगों को घेर कर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दबंग युवकों को देसी कट्टे सहित पकड़े थाने में ले गए।
आरोपी की माने तो ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों दबंग युवकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच में जुट गई है। झोंका था, उन्होंने हमको तमंचा दे दिया था कि फायर करके भाग जाओगे, तुम बच जाओगे, हमने फायर कर दिया। लौंडियाबाजी में डलवाए थे, उनको भतीजे ने मुझे बुलाया था। लौंडियाबाजा कैसा, मतलब ने बुलाया था प्रधान की भतीजी ने कि तुम यहाँ पे आओ, हम लोग से कुछ बात कहनी है, तुम चले जाओ। फिर कहा यहाँ पे आए, उन्होंने घेर लिया। क्यों आए हम तुम्हारे घर पे तो गए नहीं, हम बताओ अपने, हम तो सड़क खड़े हैं है कि नहीं, तुम क्यों आए, तुम मारने लगे, तमंचा लगा दिया कि तमंचा ले गया। महेशपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जो है तहरीर दी गई थाने पे जी, बताया गया है कि उनके भाई जो है काम कर रहे थे, दो लड़के मोटरसाइकिल से आए, कुछ विवाद हुआ, इसमें उन्हें कट्टे से फायर कर दिया, जिसको गाँव वालों ने फिर पकड़ लिया था घेर घार के। तो लड़के गाड़ी और तमंचा सब बरामद है, मुकदमा लिखा जा रहा है, बाकी जांच पड़ताल करी जाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस ना भाई, बस थे दो साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले, बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता, पनपता रोष, कहां है जनप्रतिनिधि, कौन उठाएगा आपके सवाल, हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज, सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हेलमेट ना पहनने से दो युवकों को दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार जब दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही नील गाय से टकरा गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, जब काफी समय से फरार दो बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि दोनों ही बदमाशों पर पकड़वाने का इनाम था। ये दोनों आरोपी अलग अलग मामले में वांछित चल रहे थे, जिसमें एक डकैती तो दूसरा दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त था। अपराधी वांछित चल रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक डकैती का एक मुकदमा था, उसमें वांछित था सुधीर साहब के नाम, उस पर 25,000 रुपये का जो है वो रिवॉर्ड था। कल इसकी गिरफ्तारी की गई है। दूसरा अभियुक्त सुगर सिंह, ये एक दहेज के मुकदमे में वांछित था, दहेज हत्या में, और इस पर 10,000 रुपये का इनाम, इसको भी कल रात में गिरफ्तार किया गया है। आज इन दोनों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 35 मोबाइलों और एक लैपटॉप के साथ दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जब सेल टैक्स की बंद पड़ी चौकी के पास छापा मारा गया, तो दोनों आरोपियों को 35 मोबाइलों और एक लैपटॉप के साथ हिरासत में ले लिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, काफी समय से ये शिकायतें आ रही थी कि मोबाइल चोरी होने की, छीनने की, प्लस गुम हो जाने की, इस तरह कुछ शिकायतें आ रही थी। तो इसमें हमारे कोतवाली पुलिस और एसओजी ने इसमें काफ़ी इसमें मेहनत की है, और मेहनत के उपरांत में पीलीभीत के ये दो जो बदमाश हैं इनको पकड़ा है। ब्रिजेश और दुर्गेश दोनों भाई हैं, इनके कब्जे से जो चोरी किए गए 35 मोबाइल चोरी या छीने हुए जैसे भी है, जो हमारे पास कुछ सूचना आई थी कुछ नहीं भी थी, वो आज इनसे बरामद किए। साथ में इसने एक लैपटॉप भी चोरी किया था रामपुरा क्षेत्र से, उसको भी अभी बरामद किया है। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित अरुणोदय स्वयंसेवक संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के अधिकारी के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, सर संघ चालक जगदीश वशिष्ठ, क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख मणिराम, प्रति कार्यवाही राजपाल जी की मंच पर मौजूद रहे। वहीं आरएसएस के जवान, 10 प्रमुख पूर्व में चिन्हित मार्गों से हजारों की संख्या में गणवेशधारी पुलिस सुरक्षा के बीच परेड करते हुए पीडी जैन इंटर कॉलेज पहुंचे। फिरोजाबाद से हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस होली के त्योहार को लेकर सतर्कता बरत रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शहर में चौकसी बढ़ाते हुए दंगा निरोधक दस्ते को तैनात कर आंतरिक सुरक्षा योजना की रिहर्सल भी कराई गई, जिसके तहत पुलिस ने हर चौराहे और सड़क पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनाए और उस पर फोर्स तैनात कर दी। वहीं पुलिस ये इंतजाम खास तौर से होली के त्योहारों को लेकर कर रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। इसमें हर एक जनपद के पूरे होलिका दहन के क्षेत्र चिन्हित किए गए, जहाँ जहाँ होलिका दहन रखा गया है वहाँ कोई विवाद नहीं है और आगे भी कोई इस तरह की घटना ना हो जिससे कोई कानून व्यवस्था की समस्या, इसके लिए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके लिए पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया और आज हमारे कोतवाली क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा योजना, दंगा नियंत्रण योजना भी कहते हैं लोग इसको, इसका रिहर्सल किया जा रहा है और जिसके जो पॉइंट है वहाँ पुलिस पूरी तैयारी से है। पुलिस कमेटी की मीटिंग की जा रही है, जो पुराने विवाद हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और असामाजिक तत्वों के चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कार्रवाई। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।